फ्रेंड्स, स्मार्ट टैक्स हब में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कैसे आप ट्रेन फ्रॉम ऑनलाइन जीएसटी के पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको जाना होगा जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको जाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि जो भी सर्विसेज आपको तभी मिल पाएगी जब आप लॉगिन पेज में अपने अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। एंटर करने के लिए आपको चाहिए कि आपकी यूज़र नेम, जो आपने अपना पहले से फिक्स किया होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड आपका डालना होगा, और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे कोड दिया होता है जो कि सिस्टम जनरेटेड होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें इंसर्ट करनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करने के बाद आपको एक न्यू विंडो अपीयर होगी। इस विंडो में जाने के बाद आपको ऊपर सर्विसेज पर क्लिक करना पड़ेगा। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आपको जाना है रिटर्न्स में, और रिटर्न्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना ट्रांजिशन फॉर्म्स में। ट्रांजिशन फॉर्म्स की तीन कैटेगरी है, ट्रेन वन, ट्रेन टू, ट्रेन थ्री। ट्रेन वन और ट्रेन थ्री अभी आ चुके हैं, लेकिन ट्रेन टू अभी अवेलेबल नहीं है। ये भी कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, जब आप ट्रेन वन को फिल करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये है कि आप पहले ये देख लें कि ये जो आपको चेकबॉक्स है ये राइट होना चाहिए, मतलब क्लिक होना चाहिए यस पर। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो आपके पुराने लॉस थे, क्या उनकी लास्ट सिक्स मंथ की जो आपकी रिटर्न थी वो आप फाइल कर चुके हैं अपॉइंटिंग डेट से पहले पहले। अपॉइंटिंग डेट क्या होती है? अपॉइंटिंग डेट होती है या तो 1st of July, जिस दिन से आपका GST आया है, या फिर जिस दिन आपने GST का रजिस्ट्रेशन लिया है वो आपको अलॉट हो गया है, ये आपकी अपॉइंटिंग डेट होती है। इस फॉर्म को टोटल 8 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1, 2, 3, ऐसे करके टोटल 8 बॉक्स इन्होंने अपीयर किए यहाँ पर। अब आपको क्या ज़रूरी है? आपको ये ज़रूरी है कि आप हर बॉक्स को आराम से पढ़ें, और जो इन्फॉर्मेशन आप क्रेडिट्स की है आप पर्टिकुलर उन्हीं बॉक्सेज में फिल करें। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ फर्स्ट बॉक्स की, जिसमें 5A, 5B और 5C तीन कैटेगरी है, इसमें लिखा है अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड, मतलब जो आपको टैक्स का क्रेडिट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसमें भी टोटल तीन कैटेगरी हैं। कैटेगरी वन है सेंट्रल टैक्स की, फिर आपके स्ट्रेटजी फॉर्म्स होते हैं वो, और थर्ड आपकी स्टेट्स की है। सेंट्रल की किन के लिए? सेंट्रल की उनके लिए है जो कि आपका सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर थे या फिर सर्विस टैक्स में रजिस्टर थे, क्योंकि वो दोनों ही लॉज आपके सेंट्रल बेस है। लेकिन अगर बात करूँ मैं स्टेट की, स्टेट में क्या है, जैसे आपके वैल्यू एडेड टैक्स होता है जिसे आप सेल टैक्स भी कहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन टैक्सेस की आ जाएंगी। एक डमी एंट्री करके ट्राई करते हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन जाएगी। हमने सेंट्रल पर क्लिक किया और एड डिटेल्स पर क्लिक किया। एड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको कह भी रहा है कि आपको रजिस्टर नंबर डालना है जो एग्जिस्टिंग लॉज का, वो सेंट्रल एक्साइज का होना चाहिए या फिर सेल टैक्स का। मान लीजिए अपने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी हैं। फिल करने के बाद जो आपके यहाँ पर मंथ होगा जिसके लिए आप क्लेम करना चाहते हैं, इसमें लिखा भी है टैक्स पीरियड फॉर विच लास्ट रिटर्न फाइल अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज। देखिए, जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल की होंगी, सारा का सारा आपका क्रेडिट कुमलेट होकर उस रिटर्न में आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है ये शायद जून की हो या फिर ये मई की हो, मान के चलते ये जून की है, ठीक है। फिर आपने डेट ऑफ फाइलिंग में अपनी डिटेल्स डाल दी, फिर इसमें बैलेंस सेंडवर्ड क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड इन द सैलासन, मतलब कि जो ये रिटर्न आपने फाइल की थी लास्ट मंथ या जो भी आप रिटर्न जिसमें आपको कैरेट से बच रहे हैं, उसमें बैलेंस कितना था वो बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे। बैलेंस यहाँ लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सैनवेट क्रेडिट एडमिसिबल एज ITC ऑफ सेंट्रल टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसफर प्रोविजन, मतलब जो आपका सेंट्रल का टैक्स था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था जो आप क्लेम करना चाह रहे हैं, जो आपके ट्रांजिशन के साथ रूल्स को फुलफ़िल कर पा रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए टोटल 10 रुपीज़ था, लेकिन जो फुलफ़िल कर पा रहा है वो 8 रुपीज़ है, तो आप यहाँ डालेंगे और 8 यहाँ पर आप डालेंगे। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन पूरी फिल हो जाएगी। एक रमी एंट्री है इसलिए हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। सेम आपका स्टेट में होगा, अगर आप सेल टैक्स में या फिर वैट में रजिस्टर्ड थे, वैट और सेल्स टैक्स दोनों एक ही है, लोग दो दो नाम से उससे बोलते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से जाएगी। इसका कुछ फोकस किया गया है फॉर्म सी के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहीं से ली है, और कुछ आपके डिटेल फॉर्म एच और आई से भी ली हुई है और एफ से भी। लास्ट में आपको ट्रांजिशन ITC से अपने यहाँ पर देना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, इन फॉर्म्स को इतनी इजी वे से बनाया गया है कि एक नॉर्मल पर्सन खुद इन्फॉर्मेशन अपनी इसमें पुट कर सकता है। आपको किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन की, एक्सपर्ट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना क्या है
कि जिस तरह की भी आपकी कैटेगरी है, जो आपकी भी आपका इनपुट है, वो किस बॉक्स में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको बता चुके हैं क्या जाएगा। सेकंड आपका है डिटेल्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर विच अनअवेल्ड क्रेडिट हैज़ नॉट बिन कैरी फॉरवर्ड, जिसका जो कैपिटल गुड्स है जिसका आपको क्रेडिट अभी क्लेम नहीं किया है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, उसके डिटेल्स यहाँ पर आप देंगे। इसकी दो कैटेगरी उस तरह से होंगी, सेंट्रल की एक स्टेट की, दोनों के फॉर्म ज़्यादातर सेम ही है, छोटे मोटे बहुत ही माइनर चेंजेस है। इसमें डिटेल उस तरह से जाएगी जैसे कि आपको वैल्यू देनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, जो आपका सप्लायर ने इनवॉइस नंबर दिया है वो, सप्लायर का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, जो आपका रिसीप्ट नंबर है वो, इस तरह से इसमें इंफॉर्मेशन फिल होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बट इसे फिल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान बनाया गया है। इसमें इतनी हाइपोथेटिकल अप्रोच यूज़ नहीं की गई है जिससे कि आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपको डिटेल्स कैसे फिल करनी है। देखिए यहाँ भी सेम फॉर्मेट इन्होंने यूज़ किया है कि या तो आप सेंट्रल से है या फिर स्टेट से है, किस तरह से भी इस फॉर्म को फिल करेंगे दोनों में ज़्यादातर सभी चीज़ें सेम होंगी। अगर मैं बात करूँ दो कैटेगरी के बाद, तो थर्ड कैटेगरी आती है आपकी, इसमें वो डिटेल्स आपको देनी है जो आपने अभी तक स्टॉक अपने पास होल्ड किया हुआ है, डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके पास स्टॉक बच रहा हो लास्ट आपके जो लॉस था उनका, जैसे कि जो आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किया है वो यहाँ पर होगा, ड्यूटीज एलिजिबल एंड टैक्सेस वैट। अब देखिए जो ये वैट की मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं बात कर रहा हूँ एंटी टैक्स की, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो एलिजिबल है वो देंगे, ठीक है ना। और जो आपने पे किया हो उसके ऊपर, मतलब जब आपने लिया होगा तब भी आपने कुछ पे किया होगा, वो यहाँ पर आप डिटेल देंगे, और लास्ट में जो स्टॉक आप गुड्स का है वो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। आपको हर बार क्या करना है, ऐड डिटेल्स पर जाना है, एक एंट्री आपकी खुल जाएगी, उस एंट्री में आपको सिर्फ डिटेल्स देनी है। ये एग्जैक्टली पर यूनिट आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहे, आपको लमसम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और उससे ये आपकी डिटेल यहाँ पर सिस्टम में अपीयर हो जाएगी। तो ये काफ़ी ईजी बनाया गया है टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि वो अपने ट्रांजेक्शन प्रोविजंस के रूल को फॉलो करें और आराम से अपनी डिटेल्स फिल कर लें। जो यहाँ पे फोर्थ बॉक्स है ये है डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ सन क्रेडिट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। देखिए बहुत से लोगों के क्या होता है, उनके नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, और बिलिंग जो होती है वो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन के बेस पर होती है। तो अगर आप सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है अपने, तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी, ना कि आप यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि आपको तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है। अब मैं दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ, इसमें डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेंट्रल क्रेडिट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हैविंग सेटलाइजेशन, मान लीजिए कुछ अपने करी है, अगर 10 में से अपने 5 करी है सेल सेंट्रलाइज पर्सन को, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आगे, इसमें डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, अगर आपने जॉब वर्क पे कोई सामान से दिया है, जॉब वर्क कराने के लिए दिया है, हेल्ड इन हिज स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब मैंने कोई सामान दिया जो वर्कर को कि देखिए आप इस काम को पूरा कीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो अभी उन्हीं के पास है, तो उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उस गुड्स की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे, जो स्टॉक में हेल्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ देंगे, और जो सेंड किया गया एज ए प्रिंसिपल उसकी डिटेल यहाँ देंगे। करना वही है, हर बार आपको एड डिटेल जाना है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो यहाँ पर फिल करनी है। ये आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो किस किस क्रेडिट का है, किस किस कैटेगरी का है, मतलब अगर आपने कोई सेंट्रलाइज पर्सन को सेंड किया है, या फिर आपको किसी जॉब वर्कर को दिया है, या फिर आपका कुछ स्टॉक होल्ड है, तो उस डायरेक्टली उस कैटेगरी में जाना है, एड डिटेल्स करना है और वो फिल हो जाएगी। अब अगर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ गुड्स हेल्ड एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल अंडर सेक्शन एज ए एजेंट, देखिए कंसाइनर कंसाइनी का शायद आपने कंसेप्ट पढ़ा हो, जिसमें कि होता था कि आप कुछ गुड्स अपने आगे भेजेंगे और फिर वो आपके बिहाफ पे सेल करेगा, तो उस कैटेगरी को यहाँ पर कवर किया गया है। अगर आप ये लास्ट के दो बॉक्सेस देखेंगे तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी होगी जो आपके डिटेल्स ऑफ गुड्स की जो अप्रूवल है उसका, इसमें है डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस 6 मंथ प्रायर टू द अपॉइंटिंग डेट, मतलब अगर आप कुछ गुड्स भेजते हैं और आगे सबका अप्रूवल आता है कि हाँ जी गुड्स ठीक है, तब उसकी सेल मान जाती है, तो उसकी इसकी डिटेल यहाँ पर दी जाएगी अपॉइंटिंग डेट से, जो पहले के 6 मंथ हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, हेयर बाय क्लिक करना है और सबमिट कर देना है EVC या DSC के थ्रू। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.smarttaxapp.com पर जाकर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हमने इस टॉपिक को बहुत छोटा किया और बार बार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बट आप जो भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।